बच्चे चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, लेकिन माँ के लिए वो हमेशा बच्चे ही रहते हैं। माँ के प्यार जैसी सुंदर चीज़ दुनिया में कोई और नहीं हो सकती, बिकॉज़ शी लव्स यू अनकंडीशनली। और प्यार के साथ जब बात आती है खाने की, तो माँ को कोई नहीं हरा सकता, और ये उसका बेस्ट वे है अपना प्यार दिखाने का। मेरी माँ ने मुझे अपने हाथों से क्या क्या बना के खिलाया, जो कि मेरा फेवरेट है, मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ इस वीडियो में। एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मेरा गला मुझे लगता है कि तब तक ठीक नहीं होगा जब तक मैं वापस चंडीगढ़ नहीं पहुँच जाती, क्योंकि वेदर आप कैन सी यहाँ पे सिर्फ फैन चल रहा है, और ये उदय को इतनी ठंड लग रही है, उसने बेडशीट ली हुई है। और इधर जैस्मिन है, उसको मैं पिछले 10-15 मिनट में 10 बार बोल चुकी हूँ नहाने के लिए, लेकिन वो अभी तक नहाने नहीं जा रही, तो मुझे ठंड लगती है। तो यहाँ पे नहाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मामा हम नहीं नहाएंगे। मतलब देखो, वहाँ पे 45 डिग्री टेम्परेचर था चंडीगढ़ में, और वहाँ पे 2-2 बार नहाया जाता था जाके, और यहाँ पे एक बार नहाने में भी इन लोगों को आलस आ रहा है। तो अभी मैं आपको लेके जा रही हूँ किचन में, क्योंकि मैंने अपनी मम्मा को एक डिश बनाने के लिए बोला है, जो मुझे उनके हाथों की बहुत टेस्टी लगती है। तो मैंने उनको बोला मैं आई, क्योंकि जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ तो एक बार उनके हाथों की वो डिश ज़रूर खाती हूँ। तो वो क्या है, एक्चुअली वो हिमाचल का ही एक फूड है, जो वो बड़े प्यार से मेरे लिए बनाते हैं, और उनसे वो बनाते हैं, वो बहुत टेस्टी लगता है मुझे। तो खैर, माँ के हाथ का तो सब कुछ टेस्टी होता है। तो चलिए, मैं आपको लेके चलती हूँ किचन में। तो ये हम बनाने जा रहे हैं आज, जिसको क्या बोलते हैं हिमाचल में, क्या बोलते हैं, पतोड़ू। इनको बोलते हैं पतेड़। और ये हैं वो पत्ते, ये हैं अरबी के पत्ते एक्चुअली। तो इनको हम बनाते हैं कैसे, ये बेसन के अंदर मम्मी क्या क्या ऐड किया है, क्या क्या ऐड किया है। मॉम इज़ लाफिंग, व्हाई यू लाफिंग बेबी, व्हाई यू लाफिंग, बताओ क्या क्या डाला है इसमें। डाला है मीठी सौंफ, अजवाइन, अजवाइन, मिर्च हरी, हाँ, और नमक और हल्दी, हाँ, और मसाला, हाँ, और लौंग मसाला, एक लौंग मसाला पत्ता होता है, लौंग मसाले का जो पत्ता होता है वो ऐड किया। ओके, नमक और हल्दी तो डाल रही है, ठीक है। तो अब इस तरह से हम बेसन, हाँ बेसन तो मैंने बता दिया ना, और इस तरह से अरबी के पत्तों को हम लेके, तो उसके ऊपर इस तरह से इसको अप्लाई करेंगे पेस्ट को, और फिर उसके बाद एक पत्ता हम और रखेंगे इस पे इस तरह से, और इसके ऊपर फिर से पेस्ट को अप्लाई करेंगे। 3-4 पत्ते लगा दिए मम्मी, छोटे छोटे हैं, इसको हम फोल्ड करेंगे इस तरह से, देन अप्लाई अगेन। और इसका रोल बना लेना है, ऐसे इसका रोल बना लेना है। मैं उधर आती हूँ, ऐसे, और इसको बंद कर देना है, बंद कर देना है, थोड़ा सा छान के लगा देना है। ओके, तो गाइस मुझे तो ये बहुत टेस्टी लगते हैं, लेकिन बच्चों को जब मैं यहाँ लेके आती थी और मैं बनवाती थी मम्मा से आके, तो बच्चे बोलते थे ये क्या चीज़ है, तो क्योंकि वो खाना नहीं चाहते हैं ऐसे हरे पत्तों की सब्जियाँ और एंड ऑल। तो अगर मैं उनको बोलती कि ये हरे पत्ते की कोई सब्जी है, तो वो बोलेंगे कि नहीं हमें नहीं खानी है। तो मैं उनको हमेशा बोलती थी कि ये हिमाचल का स्पेशल पिज़्ज़ा है, बिकॉज इट इज़ हेल्दी। तो मैं चाहती थी कि बच्चे खाएं, खा के देखें, एक बार टेस्ट करें। तो पहले तो ये मना करते थे, जब मैंने इनको बोला कि ये हिमाचल का स्पेशली पिज़्ज़ा है जो नानी माँ बनाती हैं, तो इन्होंने एक बार टेस्ट किया था, और अब तो दोनों को बहुत टेस्ट लगता है, जैस्मिन को भी और उदय को भी, और जाके मुझे लगता है ये बना के खिलाएगी। जैस्मिन सीख रहे हो आप, आपको टेस्टी लगता है ये, मेरे हाथ का कि नानी के हाथ का, नानी के हाथ का, मतलब मैंने तो कभी बनाया ही नहीं है खैर। क्योंकि मैं बनाना भी नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि मम्मा बनाए और मैं खाऊँ बस। ये मम्मा बहुत यम्मी बनाते हैं, मेरे हाथों में वो स्वाद नहीं आ सकता, है ना जैस्मिन? करेक्ट। खाने के लिए पहले इसमें ऐड किया है पानी, थोड़ा सा पानी, 1 ग्लास ऑफ वाटर एंड थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, बन रहे इसको ऐसे, और इस तरह से हम ये पत्तों को ऐड कर देंगे। ये बर्गर टाइप बन गए हैं, यू कैन सी। और हम इसको 15 मिनट पकाएंगे,
15 मिनट कुकर बंद करके। ये देखिए आफ्टर 15 मिनट्स ये इस तरह से बन के रेडी हो गए हैं। अब हम इनको निकालेंगे प्लेट में और मैं आपको खा के दिखाऊंगी। तो ये देखिए यहाँ पे ये डिश बन के रेडी हो गई है। उदय ये क्या है? पतेड़ू। पतेड़ू पतेड़ू। जैस्मिन ये क्या है? पेड़। अब हमने इस तरह से इसको काट दिया तो यू कैन सी लेयर्स आपको कैसे नज़र आ रही हैं। देखो इस सारी जैसे हमने इसको फोल्ड किया था तो ये पूरी लेयर्स बनी हुई हैं। तो अब हम इसको खाने का काम शुरू करेंगे। यम। तो ये आज मुझे सिखा रहे हैं कि ये हिमाचल का फूड है, एंकली कैसे बनाई जाती है। तो देखिए मम्मा आपने सिखाया ये, अब मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ठीक है। ये इसको पहले हमने ऑयल लगाया कुकर को और अब हम ये जो है ये मटका है और इसमें ये होल है, अब इससे हम इसको डालेंगे। ये ठीक है। तो ये है चावल के आटे से बन रही एंकली। और चावल के आटे से बनने वाली एक तरह की रोटी होती है जिसको साबुत माँ की दाल के साथ खाया जाता है और इसको खाने का जो मज़ा हाथों से आता है वो चम्मच से नहीं। आज हम बना रहे हैं हिमाचल की एक स्वीट डिश जिसे कहते हैं शीरा और वो बनाएंगी मेरी मम्मा। आज आपको बताएंगे कि वो कैसे बनाई जाती है। एक्चुअली गर्मियों के लिए वो बेस्ट चीज़ है, एक तो वो स्वीट डिश है और ऊपर से वो बहुत ही ठंडा होता है तो गर्मियों में आपको काफ़ी राहत देती है ये चीज़। तो अभी दिखाएंगे मम्मा आपको। और ये शीरा इस तरह का होता है जो गेहूं को 4 दिन भिगोने के बाद कुछ मेहनत मशक्कत से बनता है। थोड़ा सा घी डालेंगे, देसी घी है ना। हाँ, देसी घी में बनता है, देसी घी में स्वाद लगता है। हाँ, तो इसको खाने के बाद आपको ना मतलब ये सोच लेना कि अगले दिन मॉर्निंग में आपको खूब एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। इसको पानी में भिगोया हमने चीनी डाल के, थोड़ी चीनी भी डाल दी, थोड़ी चीनी भी डाल दी और पानी भी डाल दिया और इसको डाल के इसको 15 मिनट तक भिगो दिया। और अब कढ़ाई में हमने देसी घी ऐड किया है और हम इसको डाल देंगे, है ना मम्मा। हाँ देखो कैसे डाल देंगे। ठंडा ना नीचे लग जाता है ना, गिरी होती है ना, कणक की गिरी होती है। और इसको कोई भूनना नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस इसको बस ऐसे ही इसको हिलाते रहना है, हिलाना और पका देना। और इसको कंटिन्यूसली हिलाना ज़रूरी है क्योंकि अगर हम नहीं लाएंगे तो ये नीचे लग जाएगा। हिमाचल की डिश है। हाँ ये हिमाचल की डिश है और ये मम्मा की डिश है, इट्स मॉम्स डिश। मम्मा की डिश है। कुछ भी अपने हाथों से बनाओ एक अलग बात है लेकिन मम्मा के हाथ से खाने में अलग ही मज़ा है। तो आप देख सकते हैं ये कैसे स्टिकी स्टिकी सा हो गया हुआ है, ना ये सूजी का हलवा है ना ये आटे का हलवा है, ये इस तरह का बनता है शीरा, ऐसे पीसीज में ही बनेगा ये और स्टिकी स्टिकी सा बनेगा। मतलब इसको आप ऐसे ही लाते रहें, ये ना सोचें कि ये ख़राब बन रहा है या कैसे, ये ऐसा ही बनता है। शीरा इज़ इन माई प्लेट। तो अब मैं आपको ये खा के दिखाती हूँ। खाओगे जैस्मिन? मस्त, बिल्कुल जेन्युइन मीठा है। ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा मीठा है। घी भी मैंने मम्मा को पहले बोला था कि थोड़ा कम डालना और घी भी बिल्कुल जेन्युइन है और मीठा बिल्कुल जेन्युइन है। इट्स सो यम्मी।
और मैं खा रही हूँ और जैसमिन मुझे देख रही है। अच्छा लगा भाई, अच्छा स्वादिष्ट है, बहुत टेस्टी है, बहुत। मैंने अभी ब्रेकफास्ट किया था और मैं खाना नहीं चाह रही थी क्योंकि ये बहुत हैवी है, बट ये इतना ज़्यादा टेस्टी है तो मैं ओवर ईटिंग करूँगी। ऐसे क्यों बोलती है तू, खा लो ना। नानी इंसिस्ट कर रहे हैं जैस्मिन को, अपनी नातिन को, कि इतना खाना सा खा ले। थैंक यू मम्मा।